मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं आप सारे लोगों के साथ में। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ राइट नाउ। और हमेशा जब जब ये मीटिंग होती है ना, हमारी मैडम लेती है, उजाला मैडम जी, तो रियली वो मतलब हम लिटरली वेट करते हैं कि वो मतलब कब यहाँ पर आएंगी और हम लोग उनको सुनते चले जाएं। सच बात तो ये है राइट। मैंने इससे पहले उनके साथ में उनसे मतलब पूरी कर्मा हीलिंग की पूरी क्लास करी, एंड उसके बाद में मैंने एक एक तो उनकी क्लास को वापस रिवाइज करके एक एक वर्ड का सोचकर और जो थॉट्स हैं उसके बाद में मैंने नोट्स बनाने शुरू किए उनके, और अभी भी चल रहे ऑनगोइंग है, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। और मतलब जो उनसे सीखा उसके अलावा मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग सोने के टाइम पर, और अगर मुझे समय मिलता है तो दिन में भी करता हूँ मेरे प्रोफेशन के अलावा अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है। और मुझे उनसे ये भी फीलिंग आई कि जैसे एक बहुत अच्छा थॉट आया, बस मैं ऐसे शेयर कर देता हूँ कि आपकी कर्म ये जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं सोचता हूँ मुझे हमेशा कि जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं ये करने वाला हूँ, इसको करने के बाद में क्या मुझे गिल्ट की फीलिंग आएगी? अगर मुझे गिल्ट की फीलिंग आएगी तो मैं उस काम को नहीं करता कि वो कर्मा बांध रहे हैं। उन्होंने एक पूरा मतलब एक सिस्टम दे दिया। और अगर गिल्ट की फीलिंग नहीं आती है, खुशी की फीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, तो डेफिनेटली उस काम को करो, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो मैं तो उनके लिए हमेशा थैंक्स करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा पाथ दिखाया, इस एकेडमी के थ्रू हम उनसे मिल पाए और ये एकेडमी इतने अच्छी लेवल के ऊपर, और जबकि मैंने देखा कि बहुत हायर हायर फीस पे करने के बाद भी लोग वो सारी चीजें नहीं ले पा रहे हैं जो आज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस गुरु जी अकेडमी के थ्रू ले पा रहे हैं। सच बात तो ये है, मैं बाय हार्ट बोल रहा हूँ। ये जो फैमिली कॉन्स्टेलेशन का जो हमारी क्लास चल रही है, मैंने फिर उसको थोड़ा सा साइड पर रख के इसके भी नोट्स बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा ये ज्यादा बेटर रहेगा कि साइमल्टेनियसली सारे काम हो जाएंगे। तो मैंने कल नोट्स बनाए थे और उसमें मैंने समझा कि जो चीज़ हो सकता है क्लास में समझ में ना आए समटाइम और कंफ्यूजन चला जाए, बात तो मुझे ये समझ में आया उसमें कि एक्चुअली हम किसी एंसेस्टर की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग नहीं लेते हैं, सारे एलिमेंट हमारे अंदर मौजूद हैं बिकॉज वी आर द डीएनए, हम डीएनए हैं, वो सारे के सारे जो जनरेशन चली आ रही है उसका सारा एसेंस है। हम अपनी ही फीलिंग लेते हैं, उस इंट्यूटिव फीलिंग को लेकर, वो उनकी फीलिंग होती है एक्चुअली, वो फीलिंग हमारी नहीं होती, वो उनकी होती है, और सारे के सारे एलिमेंट हमारे खुद के अंदर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम लोग सांस ले पा रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं। तो ऐसे करते करते छोटे 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 बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारी लर्निंग हुई रेगुलर, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर बात यह है, और आप सारे लोगों की भी वाकई में जैसा कि बाबा जी ने बोला कि आप सारे लोग फैमिली हो, तो रियली आई एम ब्लेस्ड, आप बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हो, और कहीं ना कहीं सोल जर्नी है, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है वी आर कनेक्टेड ईच अदर, कहीं ना कहीं है हम लोग कनेक्टेड एक दूसरे से, और इसीलिए आज मिले। और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करवा दिए, इतने सुंदर दर्शन, इतने प्यारे दर्शन। थैंक यू सो मच।